लगातार बारिश की वजह से बिहार में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में गंडक तबाही मचा रही है। करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। वहीं चंपारण के भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से गंडक बराज से लगातार पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। और इधर बिहार के सीमावर्ती चंपारण और सतिया अन्य जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी के बांध में कई जगहों पर हो रहे रिसाव को ठीक कर दिया गया है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखकर जल संसाधन विभाग ने ड्रोन से तटबंधों की निगरानी करने का फैसला लिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये शुरुआती बारिश है यानी शुरुआती मानसूनी बारिश से कई जिले अभी प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम पूर्वी चंपारण के कई हिस्सों की बात कर ले या फिर हम गोपालगंज के आसपास के इलाकों की बात कर ले यानी सदर प्रखंड की बात कर ले तो अभी हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो पहले फेज में ही मानसून, आप सही है, सच देखें तो मानसून आने के 1-2 दिन पहले ही जिस तरह से बारिश ने कहर बरपाया है और खासकर बिहार के जो निचले इलाके हैं, उत्तर बिहार का जो इलाका है जिसका आपने जिक्र किया, चंपारण या बूढ़ी गंडक का इलाका हो, गंडक का इलाका हो या कोसी के किनारे का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में आज की तारीख में पानी भर गया है और इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन थोड़ी चिंता की बात इस बात की है कि सरकार तो पिछले कई दिनों से बाढ़ को लेकर, बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर लगातार बैठकें कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री इस पूरे मामले को देख रहे थे, लेकिन ये पहले फेज आप कह सकते हैं। 15 जून को अमूमन बिहार में मानसून ब्रेक करता है, उसके बाद उससे पहले ही जिस तरह से बारिश हुई है और नेपाल के तराई इलाकों में जो बारिश हुई है उसका असर बिहार की नदियों पे देखने को मिला है। नदियों में उफान है, लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। गंगा की बात कर ले, गंगा के भी जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर गंगा या फिर कोसी या बूढ़ी गंडक या गंडक के आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव है, जो पंचायत है, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई ऐसे पंचायत और कई ऐसे गांव हैं जहां पर की नदियों का पानी उनके गांव के आसपास बिखर गया है, पकड़ा हुआ है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जो दिनचर्या है वो प्रभावित हुआ है, उनके खाने पीने के सामान मार्केट से पहुंचने में दिक्कतें हुई है। तो ये चिंता की बात है और इसको लेकर सरकार को जिस यथाशीघ्र जो कार्य करनी चाहिए थे वो यथाशीघ्र कार्य करते नजर नहीं आ रही है गवर्नमेंट और उसके बाद लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। समस्या ये है कि जो बैठकें हो रही थी और जो सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया जा रहा था, वही तो सवाल है राजेश जी, लगातार जब कोरोना काल था तब भी बाढ़ की ये जो मानसूनी बारिश होती है उसको लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे थे। अब भी सीएम नीतीश कुमार समीक्षा करते नजर आते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, आपदा प्रबंधन की बैठक करते हैं, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इतनी बैठकें हो रही हैं राजेश जी, इतनी निर्देश इतने दिए जा रहे हैं, तो कहां निर्देश जो दावे किए जा रहे हैं तैयारियों की वो धरातल पे तो नहीं दिख रहे हैं। शुरुआती बारिश है और सबको पता है कि उन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित इलाका है, तो कहां दिख रही है तैयारियां राजेश जी? नहीं, वो तैयारियां तो नहीं दिख रही है। अगर तैयारी दिखती तो आज इस तरह के हालात नहीं होते, जबकि अभी पूरा बारिश का मौसम बाकी है, बारिश अभी बड़े पैमाने पर होना बाकी है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि अगर हालात अभी फर्स्ट फेज में ऐसे हैं तो आगे आने वाले दिनों में क्या होंगे। जो तैयारी की बात की जा रही थी अमूमन बरसात से पहले, ये तैयारियां आपको बता दें कि मई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाती है। सरकार अपने स्तर से तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाता है, तमाम आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड में रहता है। लेकिन इस बार जो बैठकें हुई और बैठक होने के बावजूद जो निर्देश दिए गए वो निर्देश कहीं भी धरातल को देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों ये कहा गया कि एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया, कई जिलों में भेजने की बात की गई, लेकिन जहां जहां अभी बाढ़ का पानी घुसा है या जहां नदियों का पानी जिस गांव जिस इलाकों में प्रवेश किया है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें देखने को नहीं मिल रही हैं। वहां पर राहत और बचाव कार्य जो चलाने चाहिए थे वो राहत और बचाव कार्य चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो निर्देश दिया जा रहा है पटना मुख्यालय से या सीएम मुख्यालय से, तो वो निर्देश क्या ग्रामीण स्तर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये पहले फेज की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ निर्देश जारी किया गया है, मॉनिटरिंग नहीं हुआ है। यही वजह है कि तमाम इलाके हैं जहाँ पानी प्रवेश कर गया है और ग्रामीण जो है परेशान है।
अगर मॉनिटरिंग हुई होती आप को देख निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलता है। एक चीज और भी, कई ऐसे इलाके हैं जहां कहा गया कि बोट की व्यवस्था की जाएगी, नाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो जो ग्रामीण इलाके हैं जो पूरी तरह से बारिश की चपेट में आ गए हैं, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, उनके अपने जो एक दो नाव है उसी के सारे इनकी जिंदगी चल रही है। लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, एनडीआरएफ के द्वारा जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं वहां देखने को नहीं मिल रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार बोल रहे हैं, लगातार उन्होंने कई बार बैठक की है वहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों के तमाम जिलाधिकारियों के साथ, लेकिन जो काम होना चाहिए था जमीनी स्तर पर, खासकर अभी का जो हालात देखने को मिल रहा है, ये दो तीन दिनों में परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं, लेकिन ये दो तीन दिनों में सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं और नाकाफी हैं। वैसे स्थिति में देखना ये होगा कि क्या सीएम के निर्देश और जल संसाधन मंत्री के निर्देश और आपदा प्रबंधन विभाग के जो कार्य हैं वो कितने सटीक हो पा रहे हैं। अभी भी वक्त है कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए, कहीं पॉलिथीन की जरूरत है वहाँ पॉलिथीन सीट दिया जाए, कहीं पर बांध में मिट्टी या बालू लगाना है वहाँ पे उसको रोका जाए, कई जगह रिसाव हो रहे हैं, बांध को मजबूत करने की जरूरत है। तो इन तमाम क्षेत्रों पर, तमाम हालात पर यथाशीघ्र अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आगे आने वाले दिनों में अगर बरसात ज्यादा होती है जैसा की मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, वैसे में बिहार के हालात बदते बदतर होंगे और उत्तर बिहार बुरी तरह से प्रभावित होगा, जनजीवन काफी प्रभावित होगा और बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है। शर्मिला, बिल्कुल बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है और ऐसे में जरूरत है सरकार को अतिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए और जो तैयारियां हैं उन्हें धरातल पर लाने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी।